अच्छा भाई, वेलकम टू द बैक टू द न्यू द व्लॉग द एंड माय द चैनल द ऑन द लाओ। जहां से कल का व्लॉग एंड किया था वहीं से अभी का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। घर आया हूँ, अभी मैंने खाई है दवाई, ये है पेट की दवाई। पेट थोड़ा गड़बड़ गड़ा था, खाने से 15 मिनट पहले मैंने दवाई खानी होती है। पाकिस्तान में लोग बड़े फैमिलियर होंगे इससे, क्लोज है। आए हम लोग चेक करते हैं किचन में क्या बना है। लेट्स सी। तो यहां से मुझे नजर आ गया दाल चावल। हाय 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 हाय, माशाल्लाह काली वाली दाल बनी है, चावल बने हैं, कुछ इंग्लिश टाइप के चावल बने हैं। इसमें कुछ और भी है भाई, मैं जरा हेड शेफ से ना थोड़ा पूछ के बताता हूँ, ये बताता हूँ कि ये बना क्या है। खुशबू तो फॉलो करते सारी है, लोग पूछ के बता। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, फुल्कियाँ भी बनी हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खाना खाएंगे और मैं पूछ के बताता हूँ कि सही से बना क्या है। हाँ भाई, तो माशाल्लाह से खाना आ गया है। तो ये है हमारे पास चावल, इनको कहते हैं भगरे हुए चावल, मतलब कि इसमें टमाटर, जीरा और हरी मिर्च के साथ ये बने हुए हैं। और ये हमारी आ गई मज़े की दाल काली वाली, और ये रही दही फुल्कियाँ। तो भाई चावलों में से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं सोच रहा हूँ पहले भाई मैं इनको जो है रुको ही खा के देखता हूँ गर्म हो रहे हैं। और लिटरली मैं एक बात बताऊँ, मतलब चावल रूखे हुए इतने मज़े के लग रहे हैं वाले, सीरियसली यार लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करनी चाहिए, करते हैं किसी ब्लॉग में। अब ज़रा दाल डालते हैं। मैं जो ना दाल पूरे ना चावलों पे डाल के यूँ खाता हूँ, लेकिन हमारे हेडक्वार्टर को ये पसंद नहीं है इसलिए मैंने साइड में डाले, साइड में डालिए दाल चावल हो गए। बिस्मिल्लाह ऐसे खा के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की बनी हुई है दाल भी चावल भी। अब इसको, आहा अमेजिंग, मतलब यार मज़ा आ गया। जर्मनी में ना मतलब ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काली वाली दाल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। दही फुल्कियाँ ले लेते हैं, इसको इस साइड पे डाल लेते हैं, फुल्कियों के साथ ज़रा टेस्ट करते हैं चावलों को। मैं ईमानदारी की बात बताऊँ, जो लोग मुझे जानते हैं ना वो ये व्लॉग जो देख रहे होंगे, मैं दही फुल्कियाँ नहीं खाता हूँ, सही है। और कुछ लोग कहेंगे बेगम की याद की खा रहे थे उसको अच्छी लगे, लेकिन लिटरली मैं बताऊँ, मैंने अभी एक बाइट ली है ना, मुझे यकीन करो बहुत मज़े की लग रही है, मैं मतलब ऐसे ही खा रहा हूँ। वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। तो भाई अब हम लोग खाना खाते हैं और फिर आराम करेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये पूरा एक बाइट लेता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ हम लोग खाना खाए बैठ के। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, सुबह के 11 बज रहे हैं और हमें बहुत ज़रूरी काम था, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने थे, और जो है बीच में जो है भूख लगने लग गई है, तो मैंगो लिए हैं और जूस लिए हैं। यहाँ पे मैंगो इतने महंगे कि आप एक खाली आम लो ना तो वो आपको 350 यूरो का मिलता है, और ये सिर्फ इतना छोटा सा मैंने ग्लास लिया है,
इतना छोटा सा ग्लास, ये है 14.5 यूरो का। मैं अभी जरा आपको पाकिस्तानी एक्चुअल अभी ही प्राइस में ना इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ कितने का है। तो भाई ये सिर्फ इतना सा मैंगो का ग्लास जिसमें कटे हुए मैंगो हैं, ये है 4,500 रुपये का। भाई बहुत ही महंगा है। और मैंने पहले एक दफ़ा यहाँ पे ऐसे ही टेस्ट करा था तो मीठा था, मैंने कहा मीठा होगा, ये वाला इतना खट्टा है। 4,500 रुपये का मैंगो, ओ माय गॉड। भाई 4,500 का मैंगो लेने के बाद जो है ना 2,000 का हमने खा लिया, 2,500 का हमने बचा लिया, थोड़ी देर बाद खाएंगे, इतना महंगा पड़ा है। खैर अभी बाकी काम करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने जाना है तो वो पहले प्रिंट करवाते हैं फिर जमा करवाते हैं। यार ये सही चिपक गए मुझे। मिलते हैं बाद में। ₹150 की बिशी और 4,000 रुपये के आम खाने के बाद भाई डॉक्यूमेंट्स हो गए प्रिंट, अभी इसको जमा कराते हैं और फिर आगे काम करते हैं। आ जाओ। तो भाई इसके बाद हम लोग आए इंडियन शॉप थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए देसी चीज़ों का। तो भाई हमने क्या देखा आज, हमें भाई यहाँ पे जो है केक रस भी मिल गए, बेहतरीन केक रस भाई। अब इसको घर जाके ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसे हैं। और मैंने भाई अंकल से पूछा है कि भाई यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं या नहीं, ताकि जितने भी लोग मागडेबर्ग अगर आ रहे हो तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मागडेबर्ग में जो है कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे देसी अपनी जो चीज़ें हैं मसाले वगैरह जो भी शान के नेशनल के या जो भी आपके और होते हैं ना पुडिंग खीर कस्टर्ड और गोलगप्पे केक रस और इस तरीके की चीज़ें जो है ना सारी यहाँ पे वो हलाल चिकन क्यूब्स और ये सब जो है मुझे मतलब, तो मैंने अंकल से पूछा है तो मैं यहाँ पे आके वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई अब हम लोग आए थे कॉन्फ्रेंट सामान लेने के लिए जिसमें मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, नींद आ रही है, थकान हो रही है, देखें कितना सामान लिया। खैर अब यहाँ से पेमेंट करते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर कहीं खाना खाने चलते हैं। अच्छा भाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ और अब आप लोगों से मिलते हैं कल विद न्यू व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।